सो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडरशीफो तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले कैंडल रीडिंग एंड वीक रीडिंग सो बेसिकली आपको यहाँ पे कैंडल स्टिक का जो एडवांस नॉलेज की सीरीज थी चार्ट पैटर्न की उसका यहाँ पे वेट है लेकिन फिर भी मैंने आज का ये कैंडल कैंडल रीडिंग का वीडियो क्यों अपलोड कर रहा हूँ वो आपको प्रॉपर बता देता हूँ सो लेट सपोज चार्ट पैटर्न में चार्ट पैटर्न से पहले आपको तीन से चार बातें क्लियर होना जरूरी है वो है डिमांड एंड सप्लाई जोन एन इंस्टीट्यूशन बाइंग और सेलिंग जोन जो बिग प्लेयर मार्केट में किस समय किस कैंडल पे बाइंग और सेल की ट्रेड प्लेस करते हैं वो आपके लिए बहुत जरूरी है लेट सपोज मैंने आपको एक पैटर्न बताया जो है डब्लू पैटर्न सो डब्लू पैटर्न के ब्रेकआउट पे हम कंटिन्यूस के साइड में जाते हैं लेकिन इसी टाइम पे अगर इंस्टीट्यूशन या जो बिग प्लेयर हैं उनका यहाँ पे सेल ऑर्डर पड़े हैं मतलब बिग प्लेयर ने यहाँ पे सेल की एंट्री प्लेस की है जब मार्केट इस पॉइंट पे टच करे सो so, हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ से फॉल करना ही शुरू करेगा क्योंकि यहाँ पे जो रिटेलर जो रिटेल ट्रेडर है या न्यू ट्रेडर है वो यहाँ पे बाइंग की एंट्री प्लेस करेंगे लेकिन हाई चांसेस है कि जिन जितनी क्वान्टिटी इनके पास है या जितना पैसा ये मार्केट में लगाएंगे इस पॉइंट पर उतना आप यहाँ पर लगा नहीं पाओगे तो मार्केट में जो जीता गया वो उसी के अकॉर्डिंग मार्केट चलेगा सो so, यहाँ पे जो सेलिंग है वही जीतेगी और मार्केट यहाँ से फॉल करना शुरू कर देगा और आप जो न्यू ट्रेडर इस टाइम पे बाइंग की ट्रेड प्लेस करोगे जो मेरे वीडियोस को देखते हैं सो so उनका यहाँ पे मार्केट लॉस करवा देगा सो so, मैं नहीं चाहता कि आप लॉस करो और मैं ये भी चाहता हूँ कि जो मैं आपको नॉलेज दूँ वो यहाँ पर प्रॉपर बताऊँ सो so, इसीलिए मैंने कैंडल या जो चार्ट पेटर की सीरीज थी वो उसको अभी स्टार्ट नहीं किया है इस सीरीज़ को हम तीन से चार दिन में जब ये डिमांड एंड सप्लाई जोन का आपका जो सीनेर है वो क्लियर कर दूंगा देन मैं चार्ट पैटर्न की जो सीरीज थी उसको स्टार्ट कर दूंगा सो आई होप समझ गए होंगे आप कि मैं आज स्टार्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ चार्ट पैटर्न की सीरीज़ सो so, अब मैं यहाँ पे मार्केट में फाइंड करता हूँ कोई अपॉर्चुनिटी जिसमें हम ट्रेड को प्लेस कर सकें सो so, ये बहुत आपके लिए जरूरी आपको ये अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बता दूँ कि जो बिग प्लेयर है वो मार्केट में जैसा मूव मूवमेंट देते हैं वैसा ही मार्केट चलता है क्योंकि मार्केट ओवरऑल गेम तो एक सेलिंग और बाइंग का ही है अब जितना पैसा उनके पास है उतना हमारे पास है नहीं और कितने भी ट्रेड कर लो आप उनसे कभी भी जीत नहीं सकते तो हाई चांस है कि आप वही करो जो बिग प्लेयर करते हैं उनसे ऑपोजिट चलने की जगह आप ट्राई करो कि मार्केट के अकॉर्डिंग चलो सो तो यहाँ पे ये एक बाइंग की कैंडल बननी चाहिए सो तो यहाँ पे हमने एक सक्सेसफुली ट्रेड प्लेस कर दिया बाइंग साइड की क्योंकि मैंने अभी बैक में देखा सो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में ये एक जोन बन चुका था देन यहाँ पे मार्केट ने कलर पैटर्न का फॉर्मेशन दिया एंड प्रॉपर उसको कंप्लीट भी किया जैसे ग्रीन रेड बैक टू तो बैक दो सेलर तो एक बायर देन मार्केट में डाउन ट्रेंड के बाद में एक जोन बन गया यहाँ पे भी सेम कलर पैटर्न रेड ग्रीन बैक टू तो बैक दो रेड तो एक ग्रीन की कैंडल बननी चाहिए सो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे जो कैंडल है वो यहाँ पे मूवमेंट कैसे रहती है बेसिकली अभी मैं ट्रेड कर रहा हूँ एलेवन ओ मतलब रात के ग्यारह बजे सो बेसिकली मार्केट यहाँ पे ट्रैप भी कर सकता है लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं हमने यहाँ पर इसीलिए एक सिंगल ट्रेड प्लेस किया अगर इन ट्रेड लॉस होगी तो मार्केट में हम फाइंड करते हैं कोई नेक्स्ट अपर्चुनिटी जिसमें हम ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं सो अगर सो यहाँ पे मैंने दो ट्रेड सेम इसी पॉइंट पे प्लेस कर दिया बेसिकली मार्टिंगल को मुझको कोई दूसरे पेयर में ट्राई करना था लेकिन जब मैंने चार्ट को जूम इन किया तो मेरे पास एक जो कन्फर्मेशन होता है वो यहाँ पर आ चुका है सो मैं आपको वो बात बता देता हूँ सो मार्टिंगल को यूज़ करना कैसे है वो आपको आना चाहिए मार्टिंगल कभी भी मार्केट में आपका बुरा नहीं होता है मार्केट बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है सो so, यहाँ से मैं आपको तीन सीनेर क्लियर कर देता हूँ फर्स्ट कलर पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रीन आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आई तो हमने यहाँ पे मार्टिंगल को यूज़ किया देन सेकेंड बैक टू बैक जब तीन स्ट्रॉन्ग सेलर आती है तो एक बाइंग की कैंडल आनी चाहिए सो so, ये बेसिकली कोई कलर पैटर्न नहीं है ये बेसिकली एक थ्योरी है जिसके मुकाबले यहाँ पे तीन अगर एक स्ट्रॉन्ग सेलर की कैंडल आए तो एक बाइंग की कैंडल आनी चाहिए एंड इस पॉइंट पर हमने देखा कि मार्केट के इस पॉइंट पर एक बाइंग का जोन है जैसे ये एक बाइंग का जोन है तो मार्केट जब इस पॉइंट पर आया और सस्टेन किया सो so, अब मैं आपको एक और बात बता दूँ और ये एक एडवांस नॉलेज है सो आप ध्यान देकर इसको सुनना सो so, ये जो मार्केट में ये सस्टेन हो रहा है सो यहाँ पे हाई चांस है कि जब इसका ब्रेकआउट हो तो मार्केट कंटिन्यूसली एक अपसाइड की ट्रेड मतलब अपसाइड की रैली दिखाए क्योंकि लेट सपोज़ यहाँ पे अगर सेलिंग के जो सेलिंग के जो क्या कहते हैं ट्रेड होती है वो यहाँ पे आप सेलिंग की ट्रेड करोगे लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है वो यही चाहता है कि मार्केट में यहाँ पे जो सेलर है वो मार्केट में बैक टू बैक सेलिंग की ट्रेड पेश करे अगर मैं आपको बैक में बताऊँ सो तो यहाँ पे ये एक पूरा जोन था ये अगर आप देखोगे तो ये एक पूरा जोन था फिर भी मार्केट ने इसको कंसिडर नहीं किया और यहाँ पर ब्रेकआउट दिया इसके पीछे का रीज़न यही है कि जब यहाँ पर मार्केट आया तो आप न्यू ट्रेडर ने क्या किया कि यहाँ पर मार्केट डाउन साइड की रैली दिखाने के लिए आपने यहाँ पे जो ट्रेड है वो प्लेस करना शुरू किया क्योंकि बैक में मार्केट ने डाउन साइड की रैली दिखाई है सो so, आपने भी ट्राई किया कि मार्केट इस पॉइंट पर भी एक बड़ी रैली दिखाएगा लेकिन फिर मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे इसका ब्रेकआउट कर दिया क्योंकि जो बिग प्लेयर है वो उसने यहाँ पे बाइंग की जो एंट्री है वो यहाँ पे प्लेस करना शुरू कर दिया था और मार्केट ने यहाँ पे इतना सस्टेन इसीलिए किया जिससे कि जो न्यू ट्रेडर हैं उनका यहाँ पे जो भरोसा है वो यहाँ पे वो जीत सके जब मार्केट ने बैक टू बैक तीन सेलर की बनाई तो मार्केट ने जो न्यू ट्रेडर है वो यहाँ पे समझ गया कि मार्केट यहाँ पे फॉल करना शुरू कर देगा देन मार्केट ने थोड़ा और सस्टेन किया जिससे जो न्यू सेलर है वो भी यहाँ पे आ चुके थे फिर मार्केट ने एकदम से इस लेवल का ब्रेकआउट किया और आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे कितनी बड़ी रैली दिखाया बैक टू बैक यहाँ पे पाँच से छः कैंडल बाइंग की बनाई सो आप समझ सकते हो कि मार्केट जितना ज़्यादा सस्टेन करता है उतना ही आप ट्रैप ज़्यादा होते हो और जितना आप ट्रैप ज़्यादा हो मार्केट उतना ही ज़्यादा एक साइड से मूव करना शुरू करेगा अगर ये ज़्यादा भी ट्रैप होता तो मार्केट यहाँ पे मूवमेंट नहीं देता इतना बड़ा लेकिन बिकॉज तो ऑफ मार्केट ने यहाँ पे एक से मतलब पाँच से छः कैंडल का मूवमेंट दिया ट्रैप करने के लिए सो ये एक बेसिकली सही ट्रैप है सो इसके पीछे भी पूरी एक लॉजिक होता है सो वो भी मैं आपको आने वाले इसी जो सीरीज़ थी उसमें बताने की ट्राई करूँगा अदरवाइज़ इसके अभी एक अलग सी वीडियो लेके आ जाऊँगा सो so, हमारा जो आज मैंने एक ट्रेड प्लेस की थी वो तो आपको बता दी सो so, मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ कोई नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जिसमें हम ट्रेड को प्लेस कर सकें सो so, मैं यहाँ पे वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि मार्केट अभी ट्रैप कर रहा है तो so, मैं नहीं चाहता कि मैं जल्दबाजी में कोई भी ट्रेड प्लेस करूँ सो मैं वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ देन मुझको अगर ट्रेड मिलेगी तो मैं वीडियो को स्टार्ट कर दूँगा सो so, यहाँ पर हमको हमारी आज की जो लास्ट ट्रेड है वो मिल सकती है सो so, मैं यहाँ पर एक ही ट्रेड प्लेस करूँगा देन ये ट्रेड प्लेस करूँगा वन सेवेंटी की सो बेसिकली यहाँ पे मार्केट ट्रैप तो कर रहे हैं लेकिन ये हमारी आज की लास्ट डेट होगी अगर हम मार्केट से विन करें तो बढ़िया नहीं तो हम जो लॉस है उसको बुक करके मार्केट से आज आउट हो जाएंगे सो so यहाँ पे बेसिकली इसको ग्रीन की कैंडल बनना था जो यहाँ पे ये यह सक्सेसफुली बन चुकी है लेकिन मार्केट में जो इसमें आप मूवमेंट देख रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा है सो so मैं यहाँ पे मार्केट में जो कैंडल है उसको रीड नहीं कर पा रहा हूँ फिर कैंडल का जो मूवमेंट है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है सो so, हम यहाँ पे एक डाउन साइड की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं सो so, इसको प्लेस करने का मेरे पास रीज़न तो बहुत क्लियर है लेकिन फिर भी जो इसका मोमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा तेज है सो so, हमारी जो भी ट्रेड होगी उसको हम लॉस या प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे मार्केट से सो so, अब मैं यहाँ पर अगर बात बताऊँ आपको कि मैंने यहाँ पर डाउन साइड की एंट्री प्लेस क्योंकि बेसिकली मुझको यहाँ पर इस पॉइंट पर करनी थी क्योंकि यहाँ से एक सेलिंग का प्रेशर आ रहा था देन अगर मैं आपको बताऊँ तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो यहाँ पे वी पैटर्न का जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है देन यहाँ पे से, बायर सेलर देन बैक टू बैक जब जो बायर आते हैं तो एक सेलर की कैंडल आनी चाहिए इस कलर पैटर्न को देख के और वी पैटर्न का यहाँ पे फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका इसको है इसको देख के हमने एक ट्रेड प्लेस की थी लेकिन जैसे आप मार्केट में देख रहे हो कि मार्केट में जो कैंडल है वो यहाँ पे कितना फास्ट मूवमेंट दे रही है और हमारा जो आज का लास्ट डेट था वो यहाँ पे लॉस करवा चुकी है सो तो मैं यहाँ पे कोई भी रिस्क लेने की कोशिश नहीं करूँगा देन हमारा जो लॉस है वो यहाँ पे बुक करके आज मैं मार्केट से आउट हो जाऊँगा सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा सो बेसिकली मुझको आपको यही बात बतानी थी जिसके लिए मैं इतने लेट आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ देन हमारा जो लॉस हुआ उसको हम बुक करके मार्केट से आउट हो जाएंगे मैं यहाँ पर कोई भी रिवेंस ट्रेडिंग नहीं करूँगा और आपको को इसीलिए मैं आज का ये वीडियो भी आपको अपलोड कर रहा हूँ सो आई होप आप सब समझ गए होंगे